Assalamu alaikum everyone, we are back with another exciting recipe for you all. The recipe which is very versatile and can be paired well with fries, steak or even burgers. Let's begin with it. We have started the process by toasting mushrooms. We are toasting mushrooms with butter for a very light kind of buttery aroma. So ye maine mushrooms iske andar add kar liye hain. कि मेरे पास कोर्सली चॉप्ड मशरूम्स हैं, इनको हम अच्छे से सॉटे करेंगे कि ये थोड़े से टोस्टी हो जाएं और फिर इनके अंदर एक बटरी नटी सा फ्लेवर भी आ जाए. ठीक है, अब ये जब हमारे मशरूम्स टोस्ट हो चुके हैं तो इसके अंदर मैंने क्वार्टर चिकन क्यूब डाला है, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है. एंड देन इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, हसबे जाएगा. सॉल्ट के बाद हम ऐड करेंगे मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ वाइट पेपर. ये मैंने अराउंड क्वार्टर टी स्पून ऐड की है. आप इसको चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से. ठीक है, ये वही सॉस है जो हमें रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है अलॉन्ग विद बर्गर्स या अलॉन्ग विद स्टेक. ये मेरे पास क्रीम है जो नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम हमारे पास आती है, ये मैंने हाफ़ कप क्रीम ली है या 100 ग्राम या आप आधा पैकेट समझ लीजिए. इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे हीट करना है अच्छे से, एंड देन क्रीम जलने ना पाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि क्रीम पकती भी रहेगी और जलेगी भी नहीं. ये हमने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया है मिल्क के साथ. अच्छा जी, ये मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़. चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत रिच होता है, इसलिए फॉर दैट फ्लेवर हम इसमें चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं. फॉर दैट स्ट्रिंगी टेक्सचर आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं चेडर के साथ साथ, बट चेडर को एलिमिनेट मत कीजिएगा. उसके बाद ये हमारा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ ये हैप्पी काउ की प्रोसेस्ड चीज़. कोशिश करें आपको इसी ब्रांड की मिल जाए, नहीं मिलती है तो आप कोई सा भी प्रोसेस्ड चीज़ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं. डाल के आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा इसको पकाना है कि इसके अंदर बबल्स आने लग जाएं और आपको इस तरह का ये टेक्सचर मिलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा थिक सा. सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसे डिश आउट करेंगे. आप चाहें तो इसको 3 to 4 days तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं. जब आपको इसको यूज़ करना हो हल्का सा रीहीट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं. रेसिपी को ट्राई करें और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Thank you, Allah Hafiz.